राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग का प्रैक्टिकल मतलब इंप्लीमेंटेशन है. Okay. मतलब मतलब है, है इसे हम एक एग्जाम्पल समझेंगे लेकिन उससे पहले उसकी वर्किंग समझने के लिए हमें एक फ्लो चार्ट समझना पड़ेगा एक बार हम दोनों को एक साथ कंपेयर करके चलेंगे क्योंकि इसे एग्जीक्यूट इस एग्जाम्पल को करने के लिए हमें दिमाग में ये वाला फ्लो चार्ट रखना पड़ेगा हर टाइम के लिए तो पहले एग्जाम्पल में हम साथ लेके चल रहे हैं अगली बार से हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा कि चीजें किस तरह से काम कर रही है ओके तो पहले देख लेते हैं फ्लो चार्ट में क्या क्या है फ्लो चार्ट में पहले न्यू प्रोसेस अराइव होता है रेडी स्टेट के अंदर अब मान लीजिए रेडी स्टेट के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेस है पी वन है पी टू है P3 है ठीक है ये सब अब किसी ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए अराइव हुआ है तो क्या बोलते हैं पहले कौन आया बाद में कौन आया पता लगेगा तो इसके लिए एक डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है जिसका नाम है रेडी क्यू रेडी क्यू रेडी क्यू क्यू से आप समझ ही गए होंगे लाइन तो ये टाइम डिपेंडेंट लाइन है अब रेडी क्यू का मतलब जो रेडी राउंड रॉबिन है उसका क्राइटेरिया क्या है किस क्राइटेरिया पे वो वो किस क्राइटेरिया को कंसर्न करता है वो राइट तो राउंड रॉबिन का क्राइटेरिया जो है वो है अराइवल टाइम मींस कौन पहले आया ओके okay, जैसे लाइन में होता है जैसे मान लीजिए आप बैंक में गए हैं जैसे नोटबंदी के टाइम सभी को बैंक में जाना पड़ा था नोट चेंज करवाने के लिए तो वहां लाइन लगती थी ना जो पहले लाइन में लगेगा उसे पहले अपना मनी एक्सचेंज करवाने का मौका मिलेगा तो ही एक तरह की लाइन होती है तो सेम इसी में सेम इसी की तरह आपका ये है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है एक बंदा आया ठीक है अब वो नोटबंदी की तरह आपके पास सिर्फ चार हजार रुपए थोड़ी है एक्सचेंज कराने के लिए आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं ना क्योंकि सिर्फ चार हजार मतलब मैं एक अमाउंट मान के चलता हूं जैसे मान लीजिए आपको पचास हजार रुपये एक्सचेंज करवाने हैं या दस हजार रुपए एक्सचेंज करवाने हैं ठीक है दस हजार रुपए एक्सचेंज करवाने हैं नोटबंदी के टाइम पे आपके दिन में चार हजार रुपए एक्सचेंज होते हैं ठीक है तो आप पहले दिन लाइन में लगे आपके पीछे बहुत सारे बंदे लाइन में लगेंगे उसी दिन ठीक है लाइन इतनी लंबी हो गई कि अगले दिन तक चलेगी ठीक है तो आपका नंबर आया आपके चार हजार रुपए एक्सचेंज हो गए तो आपके पास कितने रुपए बचे आपके पास छह हजार रुपये बच गए एक्सचेंज करवाने के लिए उस दिन आपने करके मतलब शाम तक आपका काम खत्म हुआ आपने देखा मतलब आपका एक्सचेंज होते होते रात हो गई अब दोबारा फिर लाइन में लग गए कि कल सुबह मेरा दोबारा नंबर आ जाएगा अब दोबारा यहां से निकले और दोबारा यहाँ कहीं लाइन में लग गए ठीक है दोबारा आप यहाँ लाइन में लग गए उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा फिर आपका शाम को ही नंबर आया मतलब जिस टाइम आठ नौ बजे करीब नंबर आया लास्ट नंबर आप ही का था अज्यूम कर लीजिए लास्ट नंबर आप ही का था फिर आपने चार हजार रुपया एक्सचेंज करा लिए ठीक है आपके पास दो हजार रुपए बच गए आपने फिर सोचा यार मतलब कल फिर दोबारा आना ही पड़ेगा उससे बढ़ गया अभी लाइन में लग जाता हूं ठीक है आप यहां से फिर फिर लाइन में लग गए ठीक है आपका नंबर आया आपने अपने बचे बच हुए दो हजार भी एक्सचेंज करा लिए अगर आपके पास चार हजार तो आप चार हजार एक्सचेंज करवाते लेकिन अगर आपके पास दो ही हजार रुपए तो आप दो ही हजार रुपए एक्सचेंज करवाएंगे ओके तो अब इस वाले एग्जाम्पल को हम मतलब ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हम इसे इस कॉन्सेप्ट से मतलब इस से रिलेट करने की कोशिश करते हैं right. जब कोई नया प्रोसेस हुआ, उसके पास अपना एक एग्जीक्यूशन टाइम होता है जितना टाइम उसे चाहिए अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए जैसे आपको कुछ अमाउंट रिप्लेस करवाना था ऐसी उन्हें कुछ टाइम चाहिए होता है अपने वो कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए ठीक है अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें टाइम चाहिए होता है सीपीयू का अब वो सीपीयू का टाइम एक बार में नहीं मिल सकता राउंड रॉबिन कहता है कि सबको मौका मिलना चाहिए अब से पहले जो आपने एल्गोरिदम देखी थी वो इसे बेचती थी जो पहले आ गया उसे उसका, उसका पूरा कर दो एक बार में अगर मान लीजिए नोटबंदी में ऐसा होता है जिसने जो पहले चला गया उसका सारे नोट एक बार में एक्सचेंज कर दो क्योंकि हमारे पास नोट लिमिटेड थे नए जो नोट थे वो लिमिटेड थे ना अगर मान लीजिए पहले कोई पहले मान लीजिए अंबानी चला गया अपने नोट एक्सचेंज करवाने उन, उन वो चला गया चार चार सौ करोड़ लेके ठीक है फोर हंड्रेड करोड़ लेके चला गया है चार दिन में छपने वाले नोट मान लीजिए चार दिन में चार सौ करोड़ नोट नए नोट छप सकते हैं मतलब चार सौ करोड़ की वर्थ के नए नोट छप सकते थे ठीक है वो चार दिन के नोट तो अंबानी जी लेके चले गए हम और आप क्या करेंगे

मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं एक स्कूल के बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें अपने हजार हजार रुपए एक्सचेंज करवाने हैं सिर्फ उनके पास हजार रुपए हैं ठीक है थीके? अब आप ये हो छोटा काम है पहले कर देते हैं लेकिन छोटे छोटे मान लीजिए चार सौ बच्चे आ गए या चार हजार बच्चे आ गए या चार लाख बच्चे आ गए ठीक है उसके पीछे एक बंदा खड़ा है जिसे अपने दो लाख रुपए एक्सचेंज करवाने हैं अब क्या होगा अगर मैनेजर ये सोचेगा कि जिसका छोटा अमाउंट है पहले कर दूं

वेटिंग टाइम मतलब एक बंदे का एग्जीक्यूशन टाइम अगर बहुत बड़ा है तो उसका वेटिंग टाइम अपने आप ही बढ़ रहा है क्योंकि एलगोरिदम बोलती है जिसका छोटा काम है वो पहले कर दो तो अगर मान लीजिए छोटे छोटे काम लगातार आते चले जाते चले जाए तो जिसका थोड़ा सा बड़ा काम है उसे तो हमेशा वेटिंग में ही रहना पड़ेगा ना कोई टाइम टू डिफाइन इट नहीं है ना मान लीजिए हर हजार हजार रुपए लेके रोज हर स्कूल का बच्चा आया जा रहा है कितने सारे स्कूल है नोटबंदी के टाइम पे अगर स्कूल के बच्चे जाते हैं चेंज करवाने में मानता हूँ स्कूल के बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है ठीक है तो हजार रुपए उनके महीने की में मनी है वो जाके चेंज करवाने के हिसाब से जाते तो कितने सारे बच्चे जाते लेकिन अगर मान लीजिए जाता, जाता। तो वो, वो करा गया था राउंड रॉबिन इंप्लीमेंटेशन कि आप चाहे अमीर हैं या नहीं हैं आपको बहुत सारे पैसे एक्सचेंज करवाने या छोटे से पैसे एक्सचेंज करवाने सभी को लाइन में लगना पड़ेगा एक बार में सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा जो टाइम है आप कितना यूज करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है लेकिन जो आपको एलोकेट होगा टाइम का स्लॉट वो इक्वली होगा ओके? राइट right. तो सेम उसी की तरह मल्टीपल प्रोसेस आते हैं सब क्यू में लगते चले जाते हैं यहां एक रेडी क्यू मान लो क्यू आपको पता है लाइन होती है मैं उसे रेडी स्टेट में इसलिए रेडी नाम दे रहा हूं क्योंका मतलब लाइन होता है ओके okay. ये एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जो एक लाइन की तरह बिहेव करता है राइट right? ओके okay. P1 आया मान लीजिए पहले आया है, रेडी स्टेट से नीचे गया सिलेक्ट हुआ और पीवन सेलेक्ट हुआ रेडी स्टेट से नीचे गया जाके इसने चेक करा कि उसे जो काम करना है और जितना उसे टाइम मिला हुआ है मतलब जितने टाइम में उसे वो काम करना है मान लीजिए आपको एक पन्ना पेज लिखना है पूरा उसे लिखने में आपको पांच मिनट लगेंगे आपको पता आपको पांच मिनट लगने वाले हैं और आपको मिले हैं तीन मिनट ठीक है तो आप कंपेयर कर रहे हो आपको चाहिए थे पांच मिनट आपको मिल रहे हैं तीन मिनट ठीक है तो क्या आप उस तीन मिनट के अंदर अपना पन्ना लिखना कंप्लीट कर सकते हो नहीं तो आप तीन मिनट में जितना लिख पाएंगे वो आपने लिख दिया फिर बचे हुए को छोड़ दिया नेक्स्ट डे के लिए मतलब नेक्स्ट टाइम जब आपको चीजें मिलेंगी मान लीजिए एक ही पेन है एक मतलब जैसे यहाँ सीपी होता है हम मान लेते एक पेन है सबके पास कॉपी अपनी अपनी है लेकिन पेन एक ही है राइट तो आपको तीन तीन मिनट का टाइम मिल रहा है अपना अपना लेटर लिखने के लिए ये पन्ना तो आपके पास ही है तो आप क्या करेंगे तीन मिनट में आपका लेटर लिखने आपकी राइटिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो है आप पांच मिनट में एक लेटर लिख सकते हैं ठीक है ठीके? तो आपने तीन मिनट में जितना लिख पाएंगे वो लिख के क्या करेंगे नेक्स्ट अपने मतलब टर्न का वेट करेंगे ना कि अब जब दोबारा मुझे पेन मिलेगा तब मैं बचे हुए दो मिनट का लिख दूंगा तो आप क्या करेंगे तीन मिनट का लिख के वापस जाके लाइन में जाके वेट करेंगे अपने टर्न के लिए ओके नेक्स्ट है अगर मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत तेज लिखता है ठीक है उसे उसे भी तीन ही मिनट मिलेंगे लेकिन वो लिख लेता है दो ही मिनट में मतलब वो लेटर लिख सकता है दो ही मिनट में तो क्या होगा उसने दो, दो मिनट चाहिए तो उसे मिले तीन मिनट तो हाँ वो लिख लेगा खत्म करके सबमिट करके चला जाएगा अब ये मान लीजिए उसका बचा हुआ एक मिनट का क्या होगा वो बा, बाकी सब यूज कर लेंगे मतलब टोटल टाइम स्लॉट में से उसके बचे हुए एक मिनट को बाकी सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा राइट तो हमने दो केस देख लिए एक का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ एक का टाइम से पहले कंप्लीट हो गया एक अब मान लो जो एक ऐसी वेरिएशन बन सकती है एक टाइम पे कंप्लीट हो कि मान लीजिए मिनट मिनट ही तीन ही चाहिए मिले तो लेटर दे, दे के अपना करके चला जाएगा लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा अपने टर्न के लिए क्योंकि आपकी राइटिंग स्लो है आपकी राइटिंग स्प्लिट हो है ना तो आपको वेट करना पड़ेगा अपने के लिए। उसके बचे में आप अपना लिखेंगे तो सेम ऐसी प्रोसेस और सीपीयू को हम रिलेट करके देखते हैं कि एक प्रोसेस को एक काम करने के लिए पांच यूनिट ऑफ टाइम की जरूरत थी राइट right? उसे, मिले थी। उसे मिले तीन अब क्या होगा वो तीन यूनिट ऑफ आफ... यहां कंपेरिजन होगा कि क्या जो उसे चाहिए था और जो उसे मिला उसे चाहिए था पांच उसे मिला तीन ठीक है क्या वो जो उसे चाहिए था उससे कम है नहीं ठीक है तो क्या करेगा वो एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस को टाइम क्वांटम के हिसाब से जैसा कि मैंने बताया था वो जितना वो लिख सकता है वो लिखेगा और वो बाकी मतलब अपने क्यू में जाके दोबारा वेट करेगा तो ऐसी जितना वो काम कर सकता है वो करेगा जैसे तीन उसे पांच चाहिए थे तीन उसने एग्जीक्यूट कर लिए तो यहां तक तो उसे पांच चाहिए थे यहां के बाद उसे सिर्फ दो चाहिए क्योंकि तीन वो यहां एग्जीक्यूट कर चुका है अब जैसा कि टाइम क्वांटम एक्सपायर हो चुका है मतलब जो उसे टाइम मिला था वो खत्म हो चुका है तो वो दोबारा जाके रेडी क्यू में वेट करेगा रेडी क्यू में वेट कहाँ करेगा यहां करेगा मतलब आपका टर्न आ गई है तो अब आपको दोबारा वही चीज चाहिए तो आप लाइन के बिल्कुल पीछे जाके लेंगे ना राइट right? तो सिमिलरली पीवन यहां जाके अपने टर्न के लिए वेट करेगा ओके okay? आई होप आपको ये समझ में आया होगा तो अब इसी अप्रोच को हम इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं सारी टर्मिनोलॉजी टर्जी एक बार रिपीट कर देता हूं एक रेडी क्यू होगा ठीक है सीपीयू टाइम 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 जिसे हम बस बस भी बोल रहे हैं। बस बोल रहे रहे हैं हैं मतलब जो रिक्वायर्ड है एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम क्वांटम जो मिला आपको एक स्लॉट में मतलब एक टाइम स्लॉट में कितना टाइम आपको एलोकेट हुआ है? ओके तो ये टर्मिनोलॉजी गिवन है एक, एक गिवन है हमें फाइंड करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम राइट right. हमें टाइम क्वांटम गिवन है टू यूनिट ऑफ टाइम ओके ये आपको छह प्रोसेस का डाटा गिवन है आपको एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है तो हम पहले एक रेडी क्यू ले लेते हैं और एक ज्ञान चार्ट ले लेते हैं ज्ञान चार्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं मेरे हिसाब से मैं इनफ एग्जाम्पल करा रहा हूं ताकि आपको कोई भी टर्मनोलॉजी रटनी ना पड़े आप इतनी बार प्रैक्टिस करें कि आपको याद हो जाए ज्ञान चार्ट एक टाइम रिप्रेजेंटेशन है सीपीयू की मतलब ये, जो रिप्रेजेंट करता है किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सा प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हुआ था ओके okay? राइट right. तो अब अराइवल टाइम से चेक करते हैं क्योंकि हमने क्राइटेरिया बता दिया अराइवल टाइम अब आपके दिमाग में एक और आना चाहिए जैसे मैं बता ही रहा हूं कि मतलब ये ऑब्वियस है कि इसका मोड क्या है लेकिन आप लिख सकते हैं लेकिन ये ऑब्वियस है क्योंकि प्रियम्शन में दिखा रहा हूं तो इसका जो मोड है वो है प्रियमशन ओके okay. मतलब मोड में अप्लाई होता है राइट right? ओके okay. तो रेडी क्यू में टाइम जीरो, प्रोसे, मतलब जीरो पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है मतलब टाइम जीरो पे कौन कौन से प्रोसेस रेडी स्टेट में आए हैं तो प्रोसेस सिर्फ पी वन आए हैं ओके तो ज्ञान चार्ट में सिर्फ पी वन है पी वन को एलोकेट हो गया टाइम क्वांटम कितना हमारे पास गिवन है दो तो जीरो से टू तक एग्जीक्यूट होगा इसका कितना बच गया टू ठीक है अब टाइम टू तक मतलब जब ये यहां एग्जीक्यूशन हो रहा है जब ये यहां एग्जीक्यूशन हो रहा है चीन के लिए तब तो तक तो तो और प्रोसेस तो अराइव हो सकते हैं ना लाइन में राइट right? मतलब और प्रोसेस तो अराइव हो सकते हैं लाइन में जैसे मान लीजिए यहां पी जीरो मतलब पी वन था टाइम टू तक उसे सीपीयू मिला इतनी देर में और कौन कौन से प्रोसेस जो है वो लाइन में लग गए मतलब रेडी क्यू के अंदर लग गए तो वो लगे P2 टू एंड पी थ्री ओके पी टू एंड पी थ्री अब टाइम टू पे टाइम टू के बाद ये गया है मतलब एग्जैक्ट टू पॉइंट के बाद गया है तो टू तक तो ये आ चुका था तो P1 को जगह कहा मिलेगी वो यहां मिलेगी ओके okay? ये पहली बार एग्जीक्यूट हो चुका है मतलब लाइन से यहां से कट चुका है मैं मान लो यहां सीपी है तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है अब सीपीयू यहाँ मूव कर जाएगा अब लाइन के पीछे जाके लगेगा ओके okay, अब किसको मिलेगा सीपीयू किसको मिलेगा मिलेगा पी टू को राइट right? तो पीट्यू यहां आएगा दो दो टाइम क्वांटम इसको भी एलोकेट होंगे ये दो को एग्जीक्यूट करेगा यहाँ और फिर दोबारा लाइन में जाके लग जाएगा ओके okay, तो चार तक अब टाइम सेट क्योंकि दो यूनिट ऑफ टाइम पी वन को मिला दो यूनिट ऑफ टाइम पी टू को मिला ठीक है अब टाइम फोर तक कौन कौन से प्रोसेस हैं जो अराइव हो गए थे पी फोर एंड पी फाइव पी फोर एंड पी फाइव अब उसके बाद पी टू यहां जाके लाइन में लग जाएगा राइट ओके देन अब नेक्स्ट किसको मिलेगा सीपीयू मिलेगा पी थ्री को ओके पी थ्री को मिला P3 को कब तक मिलेगा दो यूनिट चाहिए थे दो यूनिट मिले तो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया अब जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो वो लाइन में क्यों लगेगा उसका काम कंप्लीट हो चुका है तो वो सीधा अपना बस टाइम एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट कर जाएगा राइट तो यहां वो टर्मिनेट हो गया ओके okay? राइट right. तो अब वो क्यू के अंदर नहीं लगेगा लेकिन टाइम सिक्स तक कौन कौन से प्रोसेस अराइव हुआ वो तो आएंगे ही तो पी सिक्स था बच रहा था जो वो भी आ गया अब right. राइट ओके okay, तो अब देखेंगे P3 थ्री कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है अब जो सीपीयू है वो मिलेगा दोबारा P1 को ये समझ गया ना P1 को क्यों मिला क्योंकि P1 लाइन में लगा हुआ था तुसे. तो P1 को टू यूनिट चाहिए बची थी उसके करने के लिए टू यूनिट से मिली तो P1 अपना एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट कर जाएगा ओके okay? राइट right. तो अब वो दोबारा लाइन में नहीं लगेगा ओके okay. अब मिला पी को

प्रोसेस इंट्रोड्यूस ना हो जाए रेडी क्यों में एक बार तब तक आप दोबारा दोबारा जो इंट्रोड्यूस नहीं हो का बचा हुआ है वो पीछे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए राइट right? ओके okay. तो पी फोर पी फोर को मिला पी फोर को एक ही यूनिट चाहिए था उसने आठ से नौ तक में अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करा और वो टर्मिनेट कर गया अब मिला पी फाइव को राइट पी फाइव को दो यूनिट मिली उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करा मतलब दो यूनिट के लिए दो यूनिट का अपने बस टाइम को एग्जीक्यूट करा दो यूनिट तक और फिर दोबारा लाइन में जाके लग गया राइट right. अब पी टू को ओके पी टू ने फिर दोबारा अपने दो यूनिट तक अपने बस टाइम को एग्जीक्यूट करा उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ तो दोबारा जाके लाइन में लग गया राइट right. अब मिला P6 को ओके okay. P6 के साथ भी सेम हुआ वो कंपेयर करा उसका एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट नहीं हुआ वो फिर दोबारा लाइन में जाके लग गया मैं यहां लिख रहा हूं आप थोड़ी स्पेस लेके कीजिएगा P6 को राइट right. अब मिला P5 को प्रोसेस P5 को चार चाहिए थे दो से मिल गए बच्चे दो के लिए वो दोबारा लाइन लग गई लाइन में लग गया ओके राइट अब मिला पी थ्री को सॉरी पी टू हो गए यहां पी थ्री नहीं पी टू हो गया पी टू को पी टू को एक चाहिए था उसे एक मिल गया बचे एक पे क्या करेंगे हम हमने उसे दो दिए उसे एक ही चाहिए था तो बचे एक को बाकी प्रोसेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओके okay. तो P2 को P2 टू यहाँ टर्मिनेट हो चुका है ठीक है अब मिला P6 को P6 को एक ही चाहिए था वो भी क्या करेगा बचे हुए को बाकी पे बचे हुए पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा राइट एटीन टू नाइनटीन पी सिक्स कंप्लीट हो गया अब मिला पी फाइव को दो ही चाहिए हमने दो ही देने हैं उसे तो ट्वेंटी वन पे ये भी कंप्लीट कर जाएगा ओके अब अगर आप मेरी वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता है जो ये टाइम है वो कंप्लीशन टाइप ऑफ द प्रोसेस है राइट लास्ट अकरेंस ऑफ द प्रोसेस इज द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस ओके ये इसका कंप्लीशन टाइम है ओके okay? और ये इसका कंप्लीशन टाइम है ये इसका कंप्लीशन टाइम है तो अब ये सब लिख लेते हैं P5 का कंप्लीशन टाइम है 21, P6 का कंप्लीशन टाइम है 19, P2 का कंप्लीशन टाइम है 18, P5 का uh, P4 का कंप्लीशन टाइम है आपका नाइन राइट right. P3 का कंप्लीशन टाइम है आपका सिक्स P1 का कंप्लीशन टाइम है सॉरी P1 का कंप्लीशन टाइम है आपका एट ओके राइट P1 का कंप्लीशन टाइम आपका एट P4 का ना है नाइन P3 का है सिक्स P2 का है एटीन P6 का है नाइनटीन P5 का है ट्वेंटी वन ओके अब आपके पास टर्न अराउंड टाइम है अब आपको टर्न अराउंड टाइम मतलब कंप्लीशन टाइम है

अब वेटिंग टाइम निकालना हो तो क्या 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 होना चाहिए आपके पास टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम जितने टाइम आप सिस्टम के अंदर थे और जितना टाइम आपको चाहिए तो वेट करा है अपने बच्ची आने के लिए ओके okay? राइट right. तो आपका टी एटी सी टी माइनस एटी एट माइनस जीरो एट सेवनटीन माइनस वन एटीन माइनस वन सेवनटीन

आप, आपको एवरेज निकालना आता ही होगा बाकी आप चाहेंगे तो मैं कर दूंगा लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप खुद कैलकुलेट करें क्योंकि जितनी बार आप खुद कैलकुलेट करेंगे हाथ से एडिशन और डिवीज़न करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और जैसा कि मैंने बताया ही होगा गेट एक सी सी एल एग्जाम है राइट कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन एंड लॉजिक अगर आप हमारी वीडियो फॉलो करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा ओके और सेवेंटी परसेंट लॉजिक भी आपका बिल्ड हो जाएगा क्योंकि हम वैरायटी ऑफ एग्जांपल आपके बन करवाएंगे जिससे आपका बेसिक लॉजिक बिल्ड होगा बचा हुआ थर्टी परसेंट लॉजिक और कैलकुलेशन पे आपको अपने एंड पे वर्क करना होगा राइट कैलकुलेशन कैसे तेज करनी है गेट में आपका कैलकुलेटर अलाउड है लेकिन अगर आप एडिशन करने के लिए भी कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है क्योंकि वहां कैलकुलेटर आपका फिजिकल नहीं होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा वो भी कंप्यूटर के अंदर आपको हर की को प्रेस करने के लिए माउस उस की के ऊपर लेके जाना पड़ेगा और क्लिक करना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा उससे तेज अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन पे काम करेंगे मतलब माउस तेज चलाने से ज्यादा अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन में काम करेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा राइट बाकी हम आप इसे ऐड कर दीजिए और सिक्स से डिवाइड कर लीजिएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितना है सिक्स सिमिलरलीजिएगा प्लीज नोट इट डाउन राइट ओके यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम द टाइम क्वान्टिवन इज थ्री ओके द क्राइटेरिया ऑफ algorithm and the mode of algorithm is given okay right what is waiting time and what is turnaround time you have see that okay right so make a gantt chart as you know gantt chart is a time representation of cpu

आपका जो क्राइटेरिया है वो है टाइम ओके okay, तो ज्ञान चार्ट आपने ले लिया 0 से स्टार्ट होता है टाइम तो है, वो है आइडियल स्टेट में रहेगा ओके right. तो तो okay, आपको पी फाइव यहाँ आपने ज्ञान चार्ट में शो कर दिया कि हाँ, P5 आया था, कितना है थ्री है इसे एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम चाहिए टू तो इसे ये सिर्फ टू को यूटिलाइज करेगा बाकी हुए को बाकी प्रोसेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ठीक है अब टाइम टू तक कौन कौन से प्रोसेस नहीं वन से टू वन से टू थ्री तक सॉरी सॉरी माय मिस्टेक से टू, तक ओके तो टाइम थ्री तक कौन कौन से प्रोसेस अराइव हो चुके हैं पी फोर अराइव हो चुका है पी थ्री अराइव हो चुका है ठीक है पी फोर अराइव हो चुका है पी थ्री अराइव हो चुका है अब क्या पी फाइव को रेडी क्यू में जाना होगा नहीं क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है राइट तो अब बच्चे अब किस पे आएगा प्रोसेस मतलब सीपीयू किस प्रोसेस को मिलेगा P4 को मिलेगा P4 P4 आया ज्ञान चार्ट में रिप्रेजेंट हुआ थ्री से सिक्स तक क्योंकि हमारा टाइम क्वांटम कितना है थ्री ठीक है तो बचा हुआ टाइम कितना हो गया इसका सिक्स ओके अब टाइम सिक्स तक कौन कौन से प्रोसेस हैं जो अराइव हो जाएंगे हमारे किस में रेडी क्यू में ओके okay. Q3 था टाइम सिक्स तक कौन कौन से हो गए P6 हो गया P4, P2 हो गया P1 हो गया अब अराइविंग मतलब ये सब आ तो गए लेकिन किस सीक्वेंस में लगे होंगे लाइन में अराइवल टाइम के हिसाब से ओके okay, तो सबसे पहले कौन सा अराइव हुआ था इनमें से P6, P2 और P1 में से सबसे पहले अराइव हुआ था आपका P2, ठीक है उसके बाद कौन सा अराइव हुआ था P1 अराइव हुआ था उसके बाद हुआ था P6, ठीक है इसके एंड में जाके लगेगा आपका P4 क्योंकि P4 का एग्जीक्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उसके बाद एलोकेट होगा, होगा right? है? है. तो ex... रेडी क्यू के अंदर जाके वेट करेगा क्योंकि देखिए आपके सारे प्रोसेस अराइव हो चुके हैं अब आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है कौन कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है या नहीं हुआ है ओके okay. तो पी थ्री आपका यहाँ जाके वेट करेगा नाइन तक एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद उसके बाद जो प्रोसेस जिस प्रोसेस को सीपीओ अलाउड होगा मतलब एलोकेट होगा वो है पी टू को टू एलोकेट हुआ पी ने अपना तीन यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करा ओके okay. बचा कितना उसका तीन दोबारा जाके रेडी क्यू में लग गया मतलब लाइन में जाके पीछे लग गया ओके okay. उसके बाद सीपीओ एलोकेट हुआ पी को पी ने फिर दोबारा अपना पी ने अपना दो यूनिट तीन यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करा उसके बाद वो भी पीछे लाइन में जाके लग गया राइट right? उसके बाद किसको मिला भाई पी सीपीयू सीपीयू मिला पी सिक्स तो टर्मिनेट कर गया अब वो पीछे जाके लाइन में लगेगा क्या नहीं जरूरत ही नहीं है उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है राइट ओके नेक्स्टली किसे मिला पी फोर को मिला पी फोर का कितना था मतलब सिक्स बचा था उसने तीन और एक्सिक्यूट कर लिया बचा तीन तो दोबारा जाके लाइन में लग गया ओके यहाँ आप रिप्रेजेंट करना मत भूलिएगा तीनों जगह कीजिए यहाँ रेडी क्यू और फिर ज्ञान चार्ट ओके तो सत्ताईस और तीन इक्कीस मतलब अठारह और तीन इक्कीस ओके वो पीछे जाके लाइन में लग गया अब किसको मिला सीपीयू सीपीयू मिला पी को पी का एग्जीक्यूशन टाइम कितना बचा है तीन बचा है तो क्या होगा वो टर्मिनेट कर जाएगा ओके P3 को मिला तो वो रेडी क्यू में जाके लगेगा क्या नहीं क्योंकि P3 को मिला P3 ने तीन को यूटिलाईज कर और टर्मिनेट कर गया ओके तो 24 पे P3 टर्मिनेट कर गया उसके बाद किसे मिला प्रो सीपीपी मिला P2 को P2 को कितना चाहिए था तीन ही चाहिए था भाई उसने कंप्लीट करा अपना एग्जीक्यूशन और पीछे जाके अब लाइन में लगेगा क्या नहीं लगेगा क्योंकि टाइम एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो तो टर्मिनेट कर गया ओके तो लाइन में नहीं लगेगा अब किसको मिला सीपीयू सीपी सी पी कितना टाइम चाहिए दो चाहिए उसे मिला कितना तीन तो क्या करेगा दो को यूटिलाइज करेगा वन को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा राइट तो उनतीस तक उसने यूटिलाइज करा बचे हुए को बचे हुए प्रोसेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अब बचा पी फोर पी फोर का एग्जीक्यूशन टाइम कितना बचा है भाई तीन बचा है तीन को टर्मिनेट खत्म करेगा अब पीछे जाके लाइन में लगेगा क्या दोबारा नहीं लगेगा क्यों ये मैं सोचिएगा अकेला इसलिए लाइन में नहीं लगेगा इसलिए क्योंकि उसका टर्मिनेशन कंप्लीट हो चुका है राइट right? एक लाइन लिखिए नोट करके राउंड रॉब इन स्पेशल केस ऑफ राउंड रॉबिन द सिंगल प्रोसेस कैन कॉन्टेक्ट स्विच बाय इट सेल्फ वेन द टाइम क्वांटम एक्सपायर ओके मतलब अगर आपके रेडी क्यू में एक इकलौता प्रोसेस ही है

एक प्रोसेस अपने आप को ही प्रियम्प्ट कर सकता है मतलब कॉन्टेक्ट स्विचिंग परफॉर्म हो सकती है सिंगल प्रोसेस पर भी ओके okay? राइट right. तो पी थ्री मिला मतलब पी फोर यहां आया पी फोर अकेला था इसलिए वो लाइन में नहीं लगेगा ऐसा नहीं है पी फोर का एग्जीक्यूशन टाइम खत्म हो चुका है ठीक है इसलिए उसे लाइन में लगने की जरूरत नहीं है ठीक है ट्वेंटी नाइन और थर्टी टू था तीन यहाँ हो गया तो ये सब अब आप आपको पता होना चाहिए ये सब ये सब सब क्या है 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 के जो okay. जो हो हो में में उसके में जो गिवन हो, वो है, का okay. तो अब आप यहां लिखते चलिए P6 का ये रहा P5 का ये रहा ठीक है फाइव सिक्स थ्री टू वन फोर ओके तो P4 का एग्जीक्यूशन मतलब टर्मिनेशन टाइम है आपका थर्टी टू मतलब टर्मिनेशन मतलब कंप्लीशन टाइम राइट P1 का कंप्लीशन टाइम है 29, P2 का कंप्लीशन टाइम है 27, P3 का कंप्लीशन टाइम है 24, P6 का कंप्लीशन टाइम है आपका 18, P5 का कंप्लीशन टाइम है 3. अब क्या करना है भाई अब करना है अपने को टी एटी कैलकुलेट करना है ठीक है तो टीएटी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये एट कैलकुलेट करेंगे कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम यहां फॉर्मूला गिवन भी है आपको कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम ओके अब आपको निकालना एवरेज तो सारी वैल्यूज को फाइंड कीजिए सम कीजिए डिवाइड बाय काउंट कर दीजिए एवरेज निकल जाएगा तो मैं वैल्यूज तो फाइंड कर देता हूं सम और डिवाइड आप कीजिएगा ओके okay, 29 5 कितना हो गया भाई 24 हो गया 20 थ्री कितना हो गया ट्वेंटी थ्री हो गया ट्वेंटी थ्री कितना हो 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 गया 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 भाई 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 कितना 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 उसके बाद अब आपको निकालना है कैसे निकलेगा आपने निकाल लिया बस टाइम आपको था चलो भाई कैलकुलेट कर लेते हैं ट्वेंटी फोर माइनस फाइव कितना हो गया, गया। नाइनटीन हो गया भाई ओके नाइनटीन

इंडिविजुअल प्रोसेस के वेटिंग टाइम आप आपको एवरेज निकालना है क्या करना है सबका सम करना है डिवाइड बाय काउंट कर देना है काउंट कितना है सिक्स है ओके okay? तो ये सब काम आप अपने आप मतलब अपने एंड पे कीजिए और कैलकुलेटर से मत कीजिए खुद हाथ से सम कीजिए और डिवाइड कीजिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी राइट टेक दिस पॉइंट मेक अ नोट ओके राइट इन द राउंड रॉबिंग आई गो

तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो सबका आ चुका होगा थोड़ा थोड़ा तो क्या होगा रिस्पॉन्स टाइम है वो घट जाएगा ऑल ओवर रिस्पॉन्स टाइम है वो घट जाएगा क्योंकि okay, टाइम क्या होता है टाइम है फर्स्ट रिस्पॉन्स फर्स्ट रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम ओके राइट और अगर मान ये तो जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है वो तो घट जाएगा लेकिन उसके ड्रॉबैक क्या होंगे उसके ड्रॉबैक ये होंगे जो आपका कॉन्टेक्ट स्विचिंग है स्विचिंग स्विच क्या होता है आपको पता होगा लोड करना एक प्रोसेस के कंटेंट को और सेव करना मतलब जो एग्जिस्टिंग है उसके कंटेंट आपने पहले सेव करे और नए किया उसमें लोड कर दिए ठीक है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट स्विचिंग राइट ठीक है तो ये मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टम के ऊपर एक ओवरहेड होती है बार बार आप सेव कर रहे हो लोड कर रहे हो इस टाइम मतलब जब आप सेव और लोड कर रहे हो तब सी पी का सीपीयू आइडियल है, है कुछ नहीं कर रहा हो फ्री है ठीक है तो लो बार बार लोड सेव, सेव लो तो और सेव करने में कुछ ना कुछ टाइम तो लग रहा होगा निग्लेजिबल तो नहीं है तो अगर आप बार बार लोड सेव लोड सेव कर रहे हो और एक लॉन्ग ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन के टाइम में मतलब बहुत बड़ा टाइम है थोड़ी थोड़ी देर में आप लोड और सेव कर रहे हो तो ऑल ओवर द टाइम जो आपका स्विचिंग टाइम है मतलब जो लोड सेव करने में पूरे टाइम के अंदर वो बढ़ जाएगा तो ओवरहेड बढ़ जाएगी तो क्या होगा थ्रोपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा राइट right? तो हम कॉन्टेक्ट स्विचिंग को मतलब जो हमारा टाइम क्वांटम है उसे बहुत छोटा नहीं रख सकते टाइम तो, क्वांटम है उसे हम बहुत ज्यादा छोटा नहीं रख सकते ठीक है इफ द टाइम क्वांटम इज लार्जर then the contact switches will decrease but the response time will in, will be very drastically well, increase okay will be more or drastically increases how because if the time quantum is very large okay then the process at nth place

लेकिन अगर आप इसे वन कर देंगे तो उसे कितने यूनिट यूनिट ऑफ ऑफ टाइम टाइम वेट करना होगा ठीक है तो क्या होगा एकदम ही बहुत ज्यादा बढ़ गया ना तो हम बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं रख सकते क्योंकि इससे क्या होगा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा किसी किसी प्रोसेस का ठीक है तो उससे क्या लगेगा यूजर को यूजर को क्या इल्यूजन क्रिएट होगा कि वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा वो तो हॉल्ट चला गया हैंग हो गया वो सॉफ्टवेयर मान लो आपने एक बार में तीन चार एप्लीकेशन वर्किंग पे डाल दी है ठीक है कुछ कुछ टाइम पे अब आप राउंड रॉबिन जैसे मैंने बताया करंटली यूज होता राउंड रॉबिन तो होगा क्या इस प्रोसेस तक आते आते आपका ए मतलब मान लीजिए एक मिनट टाइम हो गया आपने देखा थोड़ा थोड़ा इनमें तो काम होगा इसमें बहुत ज्यादा काम हो गया इसमें भी काम हो गया इसमें थोड़ा बहुत हो गया लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं हुआ तो आप क्या करोगे उसके पास अभी सीपीयू पहुंचा है और आपने क्या करा सीपीयू में जैसे मतलब आगर आगर आप अगर आप मान लीजिए आपके कोई एप्लीकेशन नहीं कर लेगा हम क्या करते हैं कंट्रोल एल्ट प्लस डिलीट है या फिर अगर अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करते हैं टास्क मैनेजमेंट आते हैं क्लीन कर देते हैं उसे फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं ठीक है फिर दोबारा वो रेडी स्टेट में आएगा आगे कहीं तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हमें टाइम क्वांटम को डिसाइड करना होता है तो ना तो आप टाइम क्वांटम को बहुत ज्यादा बड़ा रख सकते हैं ना बहुत ज्यादा छोटा रख सकते हैं ठीक है इफ द टाइम क्वांटम इज लार्जर देन ऑल द बस टाइम देन राउंड रॉबिन बिहेव्स लाइक एफसीएफएस अगर जो टाइम क्वांटम है वो सभी बस टाइम से बड़ा है मतलब मान लीजिए जो आप टाइम एलोकेट करवा रहे हैं एक टाइम स्लाइस के अंदर वो किसी की भी मतलब सभी की रिक्वायरमेंट से छोटा है मतलब बड़ा है सॉरी मतलब सभी की रिक्वायरमेंट उससे छोटी-छोटी हैं -छोटी ठीक है थीके? तो वो बिहेव करेगा आपका एफ की तरह राइट right? ओके okay, क्योंकि का का भी क्या 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 है? 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 लेकिन तो जो एक बार बाद में बोल दूंगा आप ये वाला पॉइंट मैंने पिछले क्लास में बोल दिया था एक बार रिपीट कर रहा हूं लिख लीजिएगा इफ द सेम प्रोसेस चेंज देन कंसीडर इट एज ए कॉन्स्टेक्स स्विचिंग ओके okay, अगर मान लीजिए एक ही एक ही प्रोसेस आपके रेडी क्यू में ठीक है ये आपके रेडी क्यू है एक ही प्रोसेस है तब भी उसका यहां से मतलब एक बार एग्जीक्यूट करना है और फिर दोबारा उसे सीपीयू मिलने में वो कंटिन्यू वे में नहीं मिलेगा उसे क्योंकि यहाँ कॉन्टेक्ट स्विचिंग परफॉर्म हो रही होगी तो राउंड रॉबिंग एक स्पेशल केस है जहां सिंगल प्रोसेस पे भी कॉन्टेक्ट स्विचिंग परफॉर्म होती है राइट right? ओके okay, तो इसमें मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना था कि टाइम क्वांटम ना तो आप बहुत ज्यादा बड़ा ले सकते हैं ना बहुत ज्यादा छोटा ले सकते हैं और राउंड रॉबिन एक स्पेशल केस है जिसके अंदर सिंगल प्रोसेस में भी कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो सकती है राइट प्लीज टेक दिस क्वेश्चन ओके नोट इट डाउन एंड ट्राई योरसेल्फ सेल्फ राइट ओके कंसीडर एन प्रोसेस प्रोसेस इज शेयरिंग द सी पी यू इन राउंड रॉबिंग एल्गोरिदम द कॉन्टेक्ट स्विचिंग टाइम इज एस ओके कॉन्टेक्ट स्विचिंग टाइम दे रखा है आपको एस यूनिट ऑफ टाइम ठीक है देन वट मस्ट बी द टाइम क्वांटम टाइम क्वांटम पूछ रखा है क्यू वट मस्ट बी द टाइम क्वांटम क्यू सच दैट द नंबर ऑफ रिड्यूस्ड सच दैट द कॉन्टेक्ट स्विचिंग इज रिड्यूस्ड

कॉन्टेक्ट स्विचिंग टाइम है वो भी कम हो जाए और हर कुछ टाइम मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद आप अश्योर कर सको एक प्रोसेस को कि इतने टाइम के बाद आपको आपके लिए सीपीयू प्रोवाइड कराया ही जाएगा ओके तो ये केस सिनेरियो गिवन है तो आपको टाइम क्वांटम पूछ रखा है ठीक है आपके पास ये ये ऑप्शन है ओके चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन ठीक है एक केस सिनेरियो मान लीजिए यहाँ आपके प्रोसेस है है यहाँ आपका कॉन्टेक्ट स्विचिंग टाइम है मतलब ये एस दे, दे रखा है ना ये कॉन्टेक्ट स्विचिंग टाइम एस दे रखा है ठीक है तो इस क्वेश्चन को मतलब समझने के लिए हम एक एन की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं तो लेट एन इक्वल टू फोर ओके मतलब आपने एज्यूम करा है एन फोर है ठीक है तो पी वन पी टू पी थ्री ये फाइव भी एज्यूम कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ठीक है P3 P4 P5 पी okay. ओके इसके बाद क्या होगा फिर P1 को मिलेगा राइट right? फिर P2 को मिलेगा राइट right. ओके okay. तो अब आपको क्या इंश्योर करना है जो ये टाइम है वो क्या है Q Q Q, Q, है और ये क्या टाइम है जो ये टाइम है वो है S ठीक है S S एस एस अब ये कब खत्म हुआ है प्रोसेस कब खत्म हुआ है प्रोसेस खत्म हुआ है आपका P1 P1 कब खत्म हुआ है या मान लीजिए कुछ टाइम है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हुआ और उसे नेक्स्ट चांस कब मिल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ये टोटल टाइम कितना है ये आपका T है क्योंकि ये गारंटी है आपको T सेकेंड के बाद आपका वो मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो T इक्वल क्या है एस इंटू एस एक दो तीन चार पांच तो एस इंटू एन क्योंकि हमने एन की वैल्यू फाइव तो अगली बार जब तक आपका चांस आ रहा है ये आपका काउंट हो गया मतलब आपके प्रियम्शन के बाद जो कॉन्टेक्ट स्विचिंग हुई है ये काउंट हुई है और आपसे पहले तक काउंट होगी मतलब नेक्स्ट टाइम जो आपका आएगा उससे पहले तक काउंट होगी तो ये टोटल एन ही होगी ओके okay, तो n in, s into n प्लस अब क्या होगा जो टाइम क्वांटम होगा मतलब आप अगर मान लीजिए टोटल n प्रोसेस है आप अभी भी एग्जीक्यूट करके गए तो आपका टाइम मतलब कितनी देर बाद आएगा n 1 टाइम क्वांटम के बाद आएगा क्योंकि आपके पीछे जो n 1 बंदे खड़े थे उनके बाद ही तो आपका नंबर दोबारा लगेगा ना उन सब का एग्जीक्यूशन टाइम के लिए मतलब उन्हें जो टाइम स्लॉट मिला है उन सब के बाद ही तो आपको आपका नंबर दोबारा मिलेगा ना करने के लिए एन माइनस वन इंटू क्या क्यू तो ये रिलेशन आपने फाइंड करी है इस स्टेटमेंट से ओके okay, अब इसके थ्रू आप क्यू को फाइंड कर सकते हैं ठीक है तो कुछ नहीं करना है, इसे इधर भेज दीजिए और इसे डिवाइड में भेज दीजिए तो एक बार टी माइनस एस एन डिवाइड बाय माइनस वन मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला गया एन माइनस वन तो ऑप्शन मैच कीजिए अब ये ऑप्शन ए रॉन्ग है ऑप्शन बी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ माइनस में हो गया या प्लस में है ऑप्शन सी राइट है ऑप्शन डी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ एन माइनस वन होगा, एन प्लस वन नहीं हो सकता और यहाँ प्लस कहां से आ गया ठीक है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर